एक महिला के पास एक पालतू सांप था। वह उससे बहुत प्यार करती थी। सांप लगभग 7 फीट लंबा था। एक दिन उसने खाना बंद कर दिया। कई हफ्तों तक सब कुछ कोशिश करने के बाद भी महिला सांप को खाना नहीं खिला सकी। महिला सांप को वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे पूरी बात बताती है। वेट ने उससे सवाल पूछा, क्या आपका सांप रात में आपके साथ सो रहा है या वास्तव में आपके करीब आ रहा है और खुद को फैला रहा है? महिला ने कहा, हाँ डॉक्टर, हर दिन, और उसके ऐसा करने से मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। वेट ने महिला से कहा, मैम, आपका सांप बीमार नहीं है, वह आपको खाने की तैयारी कर रहा है। वह हर दिन आपका आकार माप रहा है ताकि वह जान सके कि उसे कितना बड़ा होना चाहिए। वह खाना इसलिए नहीं खा रहा ताकि उसके पास आपको पचाने के लिए जगह हो। मोरल, असल में यह सांप के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जो आपके करीब है, लेकिन है वो एक सांप। इसलिए अपने चारों ओर सांपों को पहचाने। सिर्फ इसलिए कि वे आपके करीब लगते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका इरादा आपको निगलने का नहीं है।